नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास है डेल का लैटिट्यूड 5440 लैपटॉप। इस लैपटॉप को पूरा असेंबल से लेकर के विंडो इंस्टॉलिंग तक का पूरा प्रोसेस मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बूटेबल पेन ड्राइव को लगा करके डेल में जो है बूट मेनू के लिए हम F12 बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद जो है हमारा मतलब वहाँ से हम अपने उस पेन ड्राइव वाले को सिलेक्ट करके इंटर जो भी है कमांड को हमको फॉलो करते रहना है। तो यहाँ पे हम पहले लैंग्वेज करेंसी टाइम ये सब का फॉर्मेट वगैरह चूज़ करके नेक्स्ट प्रेस कर देते हैं। अब हमारा सेटअप जो है चालू हो चुका है। सेटअप के बाद जो है ये सब हमारा फिर पार्टीशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से हम पार्टीशन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट हमको प्रेस करना है। यहाँ से जो हमारा जो हम विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इंस्टॉल वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे हमको चेकबॉक्स को जो चेक टिक कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और यहाँ से जो हमको अगर फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट करके और पार्टीशन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे सभी जो पार्टीशन है उसको पूरे क्लीन करके फॉर्मेट सबको कर लिए हैं और हम एक नेक्स्ट क्लीन ड्राइव बना करके उसमें जो है पार्टीशन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन प्रेस कर देंगे। दोस्तों अब हमारा विंडोज़ इंस्टॉलिंग शुरू हो गया है। एक होने में ऑलमोस्ट आधा घंटा 20 मिनट लगेगा, तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। और इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने के बाद एक बार हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा। जब रीस्टार्ट होकर के ऑन होगा तो हमें जो कमांड दिखेगा उसको फॉलो करते हुए सिस्टम को आगे बढ़ाना है, और आगे मतलब बढ़ाने के बाद फिर हमको मतलब आगे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हमको मतलब कर लेना है।